सूबे बिहार में इन दिनों आर्थिक अपराध इकाई जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है, टीम अभी पहुंची हुई थी यहां बसंतपुर गांव में। बसंतपुर गांव चौगाई प्रखंड इलाके में पड़ता है। इस गांव में एक रोहतास में डीएसपी हुआ करते थे संजय जी, उनके घर पे अभी टीम आई हुई थी। ये दिखाना चाहेंगे, ये उनका दरवाज़ा जिसको कह सकते हैं, वह पुश्तैनी दरवाज़ा है। साथ ही साथ सामने में आप गलियों में देख सकते हैं कि सामने में उनका मकान है, और मकान के साथ में अभी यहाँ पर टीम जो पहुँची हुई थी लगातार सब जांच पड़ताल के बाद यहाँ से रवाना हुई है। अभी उनके परिजन के साथ अन्य लोग भी यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं, और अभी अभी तुरंत यहाँ से जो टीम निकली है उनके चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं कि क्या पूछताछ हुई, किस तरह से जांच किया गया, क्या हो रहा था सर। टीम क्या देख रहे सामान क्या इनके घर में आए तो हमारे घर में क्या है, पुराना जमाने में बाबू जी के सर्विस किया हुआ सामान लेकर रखे थे घर में, और तो हमारे पास सामान कहाँ से है। तो क्या लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है इससे आप लोग क्या मानते हैं? जानते हैं उनके पास जान के कलम के गिरा रहा है लोग, जानते हैं बहुत आदमी ऐसा है, गरीब घर के लड़के हुए हुए हैं, अब कोई ऐसा फसाद उसका क्या मतलब है। आप आर्मी में थे? हम आर्मी में थे सर, आर्मी के लोग जानते हैं हम सच्चे आदमी हैं लोग, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और उनके पापा कोल इंडिया में थे? उनको कोलेरी में थे, सर्विस करते थे। और ये अभी पुलिस में है? हाँ, पढ़ाई लिखाई वहीं पर गिद्दी हजारीबाग, गिद्दी हजारीबाग में पढ़ाई लिखाई हुई थी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र संजय। और वो संजय जी आपके कौन हैं? मेरा भतीजा लगे चचेरा। तो जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई के टीम अभी यहाँ जो पहुँची हुई थी, गांव के लोग क्या मानते हैं जानने का प्रयास करते हैं। टीम आई हुई थी यहाँ? हाँ जी। क्या पूछताछ की? पूछताछ की, घर में जाके जांच किया, दलानों में जांच किया, जो आदमी मिले उनसे उनसे पूछताछ भी किया। कुछ ले करके गए यहाँ से? ना, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सूर्यनाथ चौधरी। आपके भतीजा है कौन है? हाँ, उनका हम चचा लग रहे हैं, भतीजार का। तो वो नौकरी कब से कर रहे हैं? कौन? संजय जी। संजय जी एक कौन उसी से उनका सर्विस हो रहे हैं संजय के। अच्छा, चलिए, सर्विस को लेकर के भी तमाम बातें हैं। अभी टीम यहाँ से निकली है, और उसके बाद यहाँ गांव के लोग आपस में बैठ करके जिस तरह का ये अनुसंधान और कार्रवाई हुई है उसको लेकर के गहन मंथन में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन इंद्रकांत तिवारी के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।